अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ एसएन जी आज आपके लिए एक और मज़ेदार किस्म की राइस की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़े के होते हैं ये। चटपटे से, अगर आप जैसे कोफ्ते चटपटे बनाएंगे तो ये ज़रूर चटपटे होंगे, वरना ये पुलाव तो आपको पता है सादा सा होता है। तो हम चिकन के बना रहे हैं कोफ्ते। इसमें आप चाहें तो इसमें बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मटन अगर आप करते हैं तो मटन कर लें, लेकिन ये मैं इस वक्त चिकन में बना रही हूँ। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी, कोफ्ता पुलाव बना रहे हैं हम, और इसके लिए हमको कोफ्ते बनाने के लिए जो इसका पहला पार्ट हम तैयार कर रहे हैं वो है कोफ्ते। और कोफ्तों के लिए हमें चाहिए चिकन का कीमा, मैं ले रही हूँ ये बोटियाँ हैं और मैं इसका कीमा बनाऊंगी। तो इसका ये हमने आधा किलो यानी 500 ग्राम लिया है। ये 50 ग्राम चने हैं, और मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो, क्योंकि लोग अक्सर 50 ग्राम पे कंफ्यूज जाते हैं, ये मेजरिंग स्पून है, टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून। और ये इस तरह आप ये देखें, इस तरह आप लेंगे तो 4 टेबल स्पून में ये 50 ग्राम हो जाता है। मैंने इसलिए आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए रखा था। इसका हम पाउडर बना लेंगे। इसके अलावा ये हरी मिर्चें हैं, ये इस तरह की 2 हरी मिर्चों को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक बड़े साइज़ की प्याज ये मैंने ली है, इसे मैंने चॉप कर लिया है। और लाल मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून, नमक जाएगा 1 टेबल स्पून, गरम मसाला जाएगा 1 टेबल स्पून, और लहसुन अदरक ये भी 1 टेबल स्पून है पिसा हुआ। आप चाहें तो मिर्चें कम कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़े से चटपटे से कोफ्ते बनाऊंगी। मेरे यहाँ जो चावल खाए जाते हैं उनमें रायता नहीं इस्तेमाल होता, कि रायते से चावल ठंडे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं चावलों को ही इतना टेस्टी बनाऊँगी कि उसके साथ किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। तो हम चलते हैं, पहले मैं इसको पीसती हूँ और फिर मैं सब चीज़ें चॉपर में डाल के आपको बताती हूँ। जी नाज़रीन, देखिए मैंने इसको पाउडर बना लिया है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि चनों से इसकी बाइंडिंग होती है। और सबसे पहले हम इसमें चिकन डाल दी, आप कीमा भी ले सकते हैं, मेरे पास चिकन थी तो मैं वो। अब हम नमक, मैं हिमालयन पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये थोड़ा सा आम नमक से थोड़ा सा उसमें कसर होती है, यानी थोड़ा कम होता है, तो इसीलिए मैंने इसको 1 टेबल स्पून लिया है। आप इसे चाहें तो पहले चककर 1 टीस्पून डाल के और चख लें, और फिर उसके बाद आप इसमें दूसरी बढ़ाएं। हरी मिर्च हम इसमें से अभी थोड़ी सी पहले इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि मैंने इसे वैसे ही चॉप कर लिया है, तो इसमें थोड़ी सी हम पहले डालेंगे और थोड़ी सी पीसने के बाद शामिल करें। ये जो एक बड़ी प्याज मैंने चॉप करके रखी है, इसमें से मैं थोड़ी सी इसमें शामिल कर रही हूँ, इससे हमारे कोफ्ते सॉफ्ट होते हैं। अब मैं इसको पीस लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब डाल दिया हमने। अब हमारा मेन जो है चने का आटा, जो हमने घर में तैयार किया है। अगर आपके पास चने का आटा नहीं है और बनाना चाह रहे हैं, तो आप बेसन को भून के भी इसमें शामिल कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। थोड़ा सा भून लें, उसकी में से थोड़ी सी बेसन की जो स्मेल होती है वो निकल जाए, तो फिर आप इसको इसमें शामिल कर लें। अब मैं इसको पीस के आपको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, अब हमने ये कोफ्तों का मसाला तैयार कर लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा हाथ को चिकना करके और एक दफ़ा इसे और मिक्स कर दूंगी, क्योंकि मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च है वो बाद में भी मिलाई है। आपको बताया था मैंने कि मैं थोड़ी सी उसमें डाल रही हूँ ताकि वो पिस जाए साथ में, और थोड़ी सी फिर मैंने इसमें अलग से ऊपर से बिल्कुल आखिर के राउंड में मिलाई, तो वो मिक्स हो जाए। अच्छा, 2 चीज़ें जो मैं उस वक्त बताना भूल गई थी वो अब मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने हरा धनिया डाला चॉपर करते हुए, और इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैंने तेल डाला।
तेल क्यों डाला? तेल से ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे, और कोफ्तों में आप देख सकते हैं कि कोई साइज़ का वो नहीं है, आप अपने हिसाब से। मैं एक मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, ना बड़े ना छोटे, बहुत छोटे। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको छोटे छोटे साइज़ में भी तैयार कर सकते हैं। मैं आपको एक बना के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इतने छोटे छोटे भी लोग बनाते हैं। ये देखिए, तो आप चाहें, ये देखिए इसका, इसके साइज़ में फ़र्क है, और आप चाहें तो मीडियम साइज़ की भी बना सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। और अब मैं सारे कोफ्ते इसी तरह इसके तैयार कर लूँगी, बहुत आराम से और सॉफ्ट हैंड से ये तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। जी नाज़रीन, अब हम दूसरे स्टेप पे आए हैं। इसके लिए हमको जिन चीज़ों की, यानी पुलाव के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चावल लिए हमने 750 ग्राम, इसके अलावा साबुत गरम मसाला है, एक दालचीनी की स्टिक है, 4 लौंगे हैं, ये 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, ये 5 छोटी इलायची हैं, ये 10-12 जो हैं काली मिर्च के दाने हैं, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, लेवल्ड भरा हुआ नहीं है, 3 पत्ते हैं मेरे पास छोटे छोटे साइज़ के हैं, मैंने 3-4 ले लिए हैं, 1 बड़े साइज़ की प्याज मैंने स्लाइस करके रखी है, 2 हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैं तोड़ के डालूंगी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। यखनी के लिए हमें चिकन कि मैंने हड्डियाँ ली हैं कुछ। अगर आपके पास चिकन ना मौजूद हो तो कोई मसला नहीं है, आप चिकन क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बस एक बात ख्याल रखिएगा कि इसमें नमक का फिर आपको हिसाब अपना देखना पड़ेगा। इसके अलावा नमक है, ये जाएगा इसमें तकरीबन 4 टीस्पून। लहसुन अदरक है, ये 2 भर के टी स्पून है, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून धनिया है, और ये जो है दही है 1 पाव, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको, मैंने दिखाने के लिए रखा है, आजकल ये सब जगह मिल जाती हैं। बेसिकली ये चाय की पत्ती के लिए हम इस्तेमाल होती है, कि इसमें आप चाय की पत्ती डाल के, और इसको हम जो है दम वाली चाय बनाते हैं, या हम ग्रीन टी की पत्ते इसमें डाल के और पानी में डाल के रखते हैं, तो उससे चाय तैयार होती है। लेकिन मैं आपको इससे, इसमें ये इस्तेमाल करके दिखाऊंगी, इससे बड़ी आसानी हो जाती है। थोड़ी क्वांटिटी का अगर आप पुलाव बना रहे हैं तो उसके लिए आपको बड़ी आसानी होती है कि आप उसमें इसको कर लें। तो इसको, इसमें हम ये सौंफ और धनिया डाल देते हैं, और जब हम यखनी बनाएंगे तो हम इसको इसके साथ, इसको थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से बंद करते हैं। ये देखिए कि ये बंद हो गया, ये देखिए, ये बंद हो गया। अब ये मैं जब यखनी बनाने लगूंगी तो ये इसमें रख दूंगी, और ये इसी तरह फिर निकाल दिया जाएगा, बहुत आसानी होती है। तो चलते हैं, अब मैं यखनी तैयार करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जी नाजरीन, हम यखनी तैयार कर रहे हैं। मैं उस वक्त बताना भूल गई थी तेल के बारे में, जिस वक्त मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही थी। तो अब जो है हम इसमें 1/2 कप हमने तेल डाला है, और ये जितनी प्याज मैंने काटी थी ये सब मैं इसमें पहले फ्राई करके और इसमें से आधी प्याज निकाल दूंगी, जो हम ऊपर से गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी क्रिस्पी सी हम इसको फ्राई करेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारी प्याज जो है काफ़ी हद तक गोल्डन सी हो गई है। अब इस पे मैंने पहले तेज़ आंच पे और फिर इसको स्लो आंच पे किया है, और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। चूल्हा बंद करने की वजह ये है कि इसमें जब हम चूल्हा बंद कर देते हैं तब भी प्याज, क्योंकि तेल गर्म होता है तो प्याज पकती रहती है। तो अब मैं इसमें से आधी प्याज, बाकी प्याज में अब मैं इसमें साबुत गरम मसाला शामिल करूंगी। ये देखिए, ये मैंने साबुत गरम मसाला शामिल कर दिया, और इसका चूल्हा मैं दोबारा ऑन कर रही हूँ। साबुत गरम मसाला मैंने चूल्हा बंद में ही डाल दिया था, क्योंकि तेज़ गरम में एकदम कुकिंग शुरू हो जाती है और हमारा ज़ीरा जल जाता है।
इसलिए मैंने इसको इसी तरह रखा। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक शामिल करेंगे और साथ में हम जो हमारे पास चिकन है, चिकन की हड्डियाँ हैं, आज चिकन जो सीने का पार्ट और जो पखनियाँ होती हैं वो उसके विंग, ये सब आप इसमें डाल सकते हैं जहाँ हड्डी ज़्यादा हो इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा पानी और शामिल करेंगे, केला मीडियम से लो कर लीजिए और इसको हम इसके अलावा हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक का आपको मैं बता चुकी हूँ, मैं क्योंकि हिमालयन पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा समझें आम नमक से थोड़ा कम इसमें नमकीन होता है, तो इसलिए मैं इसमें 4 चम्मच अभी से डाल रही हूँ। आपका नॉर्मल नमक है तो आप उसको फिर आप 3 चम्मच डालिए क्योंकि हमने 3 कप चावल लिए हैं, तो लेकिन फिर उसके बाद आप उसमें चक्कर और फिर आप उसमें उसको मज़ीद बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगी कि जब ये यखनी तैयार हो जाएगी तो हम उसे चख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब मैं इसमें ये हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ और ये मैं पानी जो दही का है इसे खुश करके थोड़ा सा भूनूंगी और फिर उसके बाद मैं इसमें यखनी बनाकर और साथ में ये जो मैंने सौंफ और धनिया किया है इसको मैं यहाँ पर इस तरह, ये देखिए हमने रख दिया है, बड़े काम की चीज़ है, इजीली अब तो हर जगह मिल जाती है, आपको मिल जाए तो ये थोड़े पुलाव बनाने के लिए ये बेस्ट है, यानी 1 किलो पुलाव तक के लिए ये बेस्ट है। ये मैंने अभी से डाल दिया है, कोई हर्ज नहीं है क्योंकि वो पकना शुरू हो जाएगा उसके अंदर शामिल हो जाएगा। अब मैं इसको ड्राई कर लेती हूँ। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं ये मसाला हमारा ड्राई हो गया है और अब हम इसे 5-7 मिनट थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जो थोड़ी सी भी कसर है वो इसमें अच्छी तरह थोड़ी हो जाए। आप चाहें, अगर आप इसको बहुत चटपटा बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें पीस के या काट के बारीक बारीक शामिल कर सकते हैं, उससे ये हो जाता है, लेकिन नॉर्मल पुलाव में क्योंकि आपको पता है नहीं डलता हरी मिर्चें वगैरह, तो मैं उसके साथ बगैर हरी मिर्चें के ही बना रही हूँ, लेकिन मैंने इस तरह की हरी मिर्चें डाली हैं, इससे इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी, इससे फ्लेवर इतना नहीं आता इसमें खुशबू आती है। देखिए तेल बाहर आ गया, अच्छी तरह मसाला हमारा भुन गया। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ यखनी तैयार करने के लिए। जी नाज़रीन, अब मैंने इसमें तकरीबन 3 लीटर पानी डाला है और अब मैं इसे तेज़ आंच पे खूब अच्छी तरह जोश दूंगी तकरीबन 5 मिनट और फिर 5 मिनट के लिए मैं इसे हल्की आंच पे रख दूंगी। आप परेशान मत होइएगा, पानी अगर आपको ज़्यादा लगे तो कोई मसला नहीं है, आप जिस वक्त चावल डालेंगे उससे पहले इसमें से थोड़ी सी यखनी बाहर निकाल लीजिएगा, कोई हर्ज नहीं होता। जब आप चावल डाल दें और आपको लगे कि चावलों में पानी अब कम है तो फिर आप ऊपर से उसमें डाल दें, वो बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप उसमें से थोड़ा सा निकाल लें और उसको फिर बाद में उसमें शामिल करें, इस तरह आपके चावल ख़राब नहीं होते। तो आप जी नाज़रीन, ये देखिए हमारी यखनी को पकते हुए, यानी जब जोश आना शुरू हुआ तो 5 मिनट का मैंने टाइम लिया है और अब मैं इसको इस पर मैंने टाइमर लगा दिया है कि 5 मिनट इसको मैं अच्छी तरह जोश दूँगी और फिर उसके बाद मैं इसका चूल्हा हल्का करूँगी। जी नाज़रीन, 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए फिर टाइमर लगाऊंगी और 5 मिनट इसे कवर करके पकाऊंगी। जी नाज़रीन, मज़ीद 5 मिनट मैंने इसे ढक के पका लिया। अब मैं इसमें से ये जो हड्डियां हमने और मैं इसमें से 1 कप, ये 1 कप मैंने ले लिया और इसमें से मैंने 1 कप यखनी निकाल दी है, चाहें तो आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। जी नाज़रीन, ये देखिए ये आधा किलो के जो हमने कीमा
तैयार किया था कोफ्तों का, इसलिए मैंने कोफ्ते तैयार बना के रख लिए हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। आप इसको जो है डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शेलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये ना डीप है और ना शेलो। मैं इसको देखिए देखें ना जी, ये हमारे कोफ्ते फ्राई हो गए और अब मैं इसमें चावल शामिल कर रही हूँ। ये देखिए मैंने चावलों को छन्नी में डाल के उसका पानी निकाल लिया था ताकि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे। चावलों का मैं बताती चलूँ, ये बासमती राइस हैं और बहुत अच्छे वाले राइस हैं, और मैंने इसको तकरीबन 1.5 घंटे पहले भिगो दिया था। और अब आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए चावल अभी मैंने इसमें मज़ीद यखनी नहीं डाली। थोड़ी देर पकने लगेगा तो फिर मैं इसको चेक करूँगी, अगर मुझे ज़रूरत लगेगा तो। मैंने जो यखनी निकाली थी, आप इसमें से 2-3 कप आराम से, आपको लग रहा है चाव पानी ज़्यादा है आप निकाल लें, कोई इसमें हर्ज नहीं होता। उसके उसमें हम बाद में जब चावल पकने लगेंगे तो फिर हम इसमें यखनी ऐड कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये देखिए, ये देखिए कितने आराम से इसकी सहूलत है कि आप ये इतने आराम से इसको अलग कर सकती हैं। और ये आपका पुलाव अब चढ़ गया। अब पहले मैं इसको अच्छी तरह जोश आने दूंगी। देखें नाजरीन, पानी कम होने लगा। अगर आपको पानी का डर लगता है चावलों के तो आप कोई मसला नहीं है। ये देखिए चावल बढ़ना शुरू हो गए। अगर चावलों में आपको पानी का डर लगता है तो कोई मसला नहीं है। जब मैंने यखनी बनाने के लिए पानी डाला था मैंने 3 लीटर डाला, आप 2 लीटर डालें। यानी अगर कप से नापा जाए तो चाय का जो एक मग होता है वो मैंने तकरीबन 12 कप डाले थे। आप 8 कप डालें, कोई मसला नहीं है। आप पानी बाद में जब आप चावल ऊपर से इसमें डालते हैं तब भी आप शामिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मैंने आपको ये तरीका तो बता ही दिया कि अगर आपको यखनी ज़्यादा लग रही है तो आप यखनी निकाल लें। इस यखनी को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप इसके साथ घर में ऐसे ही आप जैसे आलू है, गाजर मटर, वेजिटेबल पुलाव बना सकते हैं, तो उसमें आप ये यखनी कर सकते हैं। इससे जो पुलाव का अरोमा है वो बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा आप पीने के साथ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ इस यखनी को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये ज़ाया नहीं होगी। मुझे वो पॉइंट असल में आपको दिखाना है कि जिस पॉइंट पे हम जो हैं, ये देखिए चावल जो मैंने पहले दिखाया था ये उससे बढ़ गया। और इसको आप जो है फिर दम पे लगा सकें। चावल आप ढकें बिल्कुल नहीं, ये याद रखिएगा। चावल ढक दिए तो इस पॉइंट पे अगर आपने ढक दिए तो वो फिर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। चावलों को जितनी देर इसे भिगो के रखते हैं, यानी अगर आप 1.5 घंटा, इसका टाइमिंग बासमती राइस का 1.5 घंटा है, तो अगर आप 1.5 घंटा भिगो के रखते हैं तो वो इतनी देर इसमें से पानी अपने अंदर लेते जाते हैं, और जब कुकिंग होती है तो ये अच्छा उसको लंबा कर देता है। ये देखिए अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए बीच में अब बज़ाहिर लग रहा है कि इसमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि नीचे अभी भी पानी है। ये आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं मैं, ये देखिए। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और ये भी तेज़ ही आंच पे पक रहा है, ये समझें जो ओवन चूल्हे की फुल आंच है इस वक्त। और मैं इसको इतना पकाना है मुझे, ये देखें नीचे भी पानी है, जब मुझे इसमें यहाँ पर पानी बिल्कुल ड्राई होता हुआ फील होगा। ये आप देख सकते हैं पानी, ये देखें ये किस तरह जमा हो गया। तो मुझे ये पानी खुश्क सा करना है और मैं इसे तेज़ आँच पर ही पका रही हूँ। नाज़रीन अब मैं आपको चावल दिखाती हूँ। देखें चावल अच्छा खासा लंबा हो चुका है और अभी दम के दौरान मज़ीद लंबा होगा। अब मैं इसको, ये अभी भी इसमें देखें बीच में पानी है लेकिन उतना नहीं जितना मैं पहले था, थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी है। और इसी के साथ मैं अब इसको दम दूंगी। अच्छा अब हम इसके ये कोफ्ता जो हमने फ्राई करके रखे थे ये सारे मैं इसके ऊपर डाल दूँगी।
अब हम इसको, अब मैं इसकी मीडियम टू लो आंच करूंगी। अभी भी मैं बिल्कुल हल्की आंच नहीं कर रही हूँ, मैं इसको मीडियम टू लो कर रही हूँ। और मैं इस पे इसका ढक्कन लगाऊंगी। तकरीबन 2-3 मिनट हुए हैं इसको हमें ढके हुए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको एक टिप शेयर कर रही हूँ कि अगर आपका चावल आपको लग रहा है पानी ज़्यादा हो गया, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इसके ऊपर 2-3 लेयर अखबार की लगाएं और फिर आप उसको बंद करें और दम दे दें, आप के चावल फर्स्ट क्लास हो जाएंगे, उसमें बिल्कुल पानी नहीं रहेगा। लेकिन हमारे चावल बिल्कुल नॉर्मल हैं, हम इसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल लगा रहे हैं। और अगर आपके चावलों में पानी कम है तो ऊपर से आप डाल सकते हैं उसका, तो कोई लेकिन गरम, कोशिश करें गरम डालें। तो अब मैंने इस पे एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी है और अब इसे 5 मिनट मैं मज़ीद इसी आँच पे रखूँगी, फिर मैं इसके नीचे दम की जाली लगाऊँगी और मैं 5 मिनट मज़ीद दम दूँगी। अब मैं बाकायदा टाइमर लगा के इसको इस तरह करूँगी। जी नाज़रीन, अब तकरीबन 5 मिनट हो गए और अब मैं इस पे नीचे जाली या आप तवा रख दें, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप वो उस पे रख के और इसे फिर धीमी आंच कर दें। चावलों चावल पकाते हुए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो दम होता है, और दम जो है वो बहुत काम की चीज़ है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा, यानी 1-2 सेकंड ही कहूँगी, इसे थोड़ा सा हम इसी आंच पे रखेंगे ताकि जाली गर्म हो जाए, और फिर मैं इसको दोबारा टाइमर लगा के 5 मिनट के लिए दम दूंगी। 5 मिनट बाद मैं चूल्हा बंद करके, लेकिन पैन नहीं खोलूंगी, और इससे यह है कि 10 मिनट बाद, उसके बाद भी 10 मिनट हमें इंतज़ार करना चाहिए और हम उसको फिर खोलें तो चावल बहुत अच्छे होते हैं। जी नाज़रीन, 10 मिनट चूल्हा बंद किए हुए हो चुके हैं, अब मैं आपके सामने ही इसको खोल रही हूँ। और यहाँ हम इसे फील कर रहे हैं, ये इतनी अच्छा अरोमा, ये देखिए चावल का साइज़ आप देखिए, देख सकते हैं कितना लंबा चावल हुआ है। और अब मैं आपको इसमें उसकी मिक्सिंग का तरीका बताऊं। मिक्सिंग क्या करनी है हमें, बेसिकली कोफ्तों को तो इसके साथ जिस वक्त हम सर्व करें तो ऊपर ही रखने हैं, लेकिन ऐसे चावल जिनको हम डायरेक्ट कुक कर रहे हैं, यानी जिसमें हम उबाल के नहीं डालते, जैसे बिरयानी वगैरह, तो इन चावलों को आप जब चूल्हा बंद करें तो उसको हमेशा एक दफ़ा इस तरह कर लें, उससे आपके चावल चुपके वजह से, अक्सर लोग चावलों को बाद में कहते हैं कि जी डले बन गए, तो वो डले नहीं बनेंगे। ये देखिए करके ये सारे कोफ्ते हमने दूसरे साइड कर लिए, देखिए चावल का साइज, ये देखिए चावल का साइज कितना ज़बरदस्त हुआ। चावल पकाते हुए थोड़ी सी बस ट्रिक ही होती हैं जो जिससे आप अपने चावलों को बहुत ज़्यादा चमचे से भी कर सकते हैं, लेकिन चमचा फ्लैट होना चाहिए आपका। मैं आपको दिखाती हूँ जो इसकी यू कहना चाहिए, जो इस तरह ये सेट हुआ हुआ है, उसकी सेटिंग बिगाड़नी है। आप इस तरह अगर कर लेंगे तो इससे आपके चावल डले नहीं बनेंगे। निकाल के और आपको आराम से आपके चावल आराम से निकल आएंगे। जी नाजरीन, ये लीजिए आप मज़ेदार कोफ्ता पुलाव तैयार है। आप चाहें तो इसके साथ रायता या सलाद इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि मेरे यहाँ चावलों के साथ दही वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला। और जो तली हुई प्याज बच्चे मैंने निकाली थी वो मैंने इसके ऊपर सर्व करते हुए डाल दी है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो
इसे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इजी से इजी रेसिपीज सिखाऊं। शुरू में एक दो चीज़ें मैं बताना भूल गई थी जो मैंने बीच में बता दी हैं, वो ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मसलन 2 चम्मच खाने का चम्मच तेल मैंने कोफ्तों में शामिल किया था, और हरा धनिया, ये 2 चीज़ें थी। बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुकी थी। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Yeah.